नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निजू कुमार। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो कल जो फार्म हाउस था उस पे जो एनसीबी ने छापा मारा था, उसमें से कई सारे चीजें बरामद किए गए थे, वो चीज मैंने आपको कल ही बताया था। लेकिन आपको बता दूं कि इस पे एक और नया खुलासा आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फार्म हाउस है उसके ऊपर जो छापा मारा गया था उसमें कई सारी चीजें ड्रग्स में जो ली जाती है वो इस्तेमाल वाली फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, जिसमें से जैसे आइस ट्रे वगैरह, गांजा पीने के सामान और भी कई सारी चीज़ें जो ड्रग्स में इस्तेमाल होती है वो फोटोग्राफ जारी किया गया था। इससे साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर यानी कि फार्म हाउस पर पार्टियां होती थी। लेकिन अब खुलासा किया गया है कि जो वहां पर सामने जो टापू बनी हुई थी उस टापू पर ही पार्टी होती थी। जी हाँ, खुलासा में यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो टापू वाली पार्टी में और उस पार्टी में ऑप्टिक अबंडे पे जो पार्टी हुई थी उस पर अब एनसीबी की नज़र है। जी हाँ, उस पार्टी में कौन कौन से गेस्ट शामिल हुए थे, कौन कौन से सेलिब्रिटी आए थे, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि एनसीबी की टापू पर जब गई थी वहाँ पे एक लोकल बंदों का बयान भी लिया गया है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने बखूबी उसको दिखाया है। लेकिन आपको बता दें कि इस टापू पर वहाँ के स्टेटमेंट के अनुसार जिस बंदे ने स्टेटमेंट दिया है, रिया चक्रवर्ती कई बार वहाँ पे देखी जा गई है, यानी कि रिया चक्रवर्ती आती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ये खुलासा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी उस बंदे ने बोला है, स्टेटमेंट दिया गया है कि 4 से 5 बार सारा अली खान भी मतलब पार्टी में हिस्सेदारी लेने के लिए आती थी, यानी कि वो भी ड्रग्स लेती थी, इस तरीके की बात कही जा रही है। साथ ही साथ एक और नाम जो आ रही है सुशांत सिंह के साथ, श्रद्धा कपूर भी आ चुकी है। जी हाँ, उस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि सुशांत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर भी पार्टी में आती थी। अब ये एंगल और मज़ेदार होने वाला है। एक तो ड्रग्स की पार्टी होती थी, साथ ही साथ टापू में पार्टी होती थी, टापू वहाँ जो सामने एक टापू बनी हुई है उस टापू में पार्टी होती थी, और अब श्रद्धा कपूर का भी नाम कहीं ना कहीं इस एनसीबी की जाँच में रडार पर वो भी कहीं ना कहीं आएगी। अब देखना ये होगा कि अब क्या होगा, एनसीबी इसके ऊपर क्या करेगी। इसके बाद आपको बता दें कि एनसीबी के मुताबिक रिया ने भी अपने बयान में, जो रिया ने बोला है उसमें सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिम्बोन खम्बाटा, जिसका बम्बाटा ऑलरेडी निकल चुका है, अब बम्बाटा होने वाला है। अब ये सब चीज़ों को एनसीबी पूरी तरीके से जांच रही है, यानी अब इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी आगे से। जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।